ये क्वेश्चन एक है आसिफ यूसुफ की तरफ से वो कह रहे हैं कि माय नेम इज़ आसिफ आई डिड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ आई एम इन कनाडा ऑन ए वर्क परमिट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब हियर बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब इन माय फील्ड एंड नॉट इवन इन नॉट इवन आट जॉब्स द रीज़न इज दैट हेयर फ्रेंच इज प्रीडामेंट एंड ड्यू टू दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स Please suggest me which courses I have to do from alnafe so I can be able to find remote jobs or, or here in Canada within two to three months. Uh, Canada, we have a students who listen to us. They work in PwC, Deloitte, ENY, KPMG, Big Four firms. They are in Hydro-Quebec. They work in SCADA Industries. They work in CRA. ठीक है ना सो दे आर ऑल ओवर द प्लेस और मुख्तलिफ फार्म हैं होंडा है Toyota है सोन एंड so राइट फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज हैं उसके अंदर जो फॉरचुन हंड्रेड कंपनीज यहाँ पर हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं उनमें और दूसरों में फ़र्क ये है कि जो लोग बात सुन लेते हैं कि भाई ये पढ़ना है ये करना है और जो है ना किसी को अगर कोई चीज़ फ्री में दो ना तो उसको कदर नहीं होती ठीक है ना वो उसकी केयर नहीं करता लेकिन जब वो अपने पैसे लगा के आता है ना तो उसकी केयर करता है सब कुछ करता है राइट तो ये वो लोग हैं कि जो यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आए कोई स्कॉलरशिप लेकर आया कोई किस तरह से आया किस तरह से आया कोई पी पे आया जॉब्स उनको मिल नहीं रही थी दे वर अबाउट टू लीव कैनाडा बट वेन दे स्टडीड एंड वैन दे वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे वर एबल टू फाइंड जॉब्स वेरी वेल ठीक है ना और अब वो सब काम कर रहे हैं खुश हैं यहाँ पर अब उनसे एक बड़ी दूसरी गलती जो सबसे बड़ी गलती दूसरी वो करते हैं पहली बात सुन लेते हैं वो ये कहना वो Uh, मैं इनसे कहता हूँ कि आगे पढ़ते रहना है पढ़ाई नहीं छोड़नी हो बस कहते हैं अब जॉब हो गई प्यार हो गया बस आप बैठ जाओ आराम से कोई टेंशन वेंशन की जरूरत नहीं तो फिर उनका प्रोग्रेशन लाइफ में रुक जाता है ठीक है यह बड़ी कॉमन चीज़ है मैं सबको बोलता रहता हूँ मैं बोल बोल के थक जाता हूँ फिर मैं इन्हें बोलना छोड़ देता हूँ मैं एक दफ़ा किसी को एडवाइस करता हूँ उसके बाद ना दो तीन दफ़ा बोलूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा बोल छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं ठीक है ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है ये सारे लोग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल नाइजीरिया घाना सब जगह से आते हैं ये मुझे मिलते रहते हैं और मैं इनको समझाता रहता हूँ जो सुन लेता है बाद वो कामयाब हो जाता है जो नहीं सुनता वो यहाँ पर अगर और जॉब्स के अंदर की चक्की में पिस पिस के ख़त्म हो जाता है अच्छा ये वर्क परमिट पे आया है कैसे आया है मुझे नहीं मालूम पीआर पे है वर्क परमिट है क्या है वर्क परमिट तो एल निकलता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट निकलता है उसके बाद जाके बंदा काम शुरू करता है सो आई एम नॉट इवन श्योर कि इसने कैसे काम किया क्या किया बट अगेन आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे आया है रिगार्डलेस ऑफ दैट अगर इसको जॉब यहाँ चाहिए और वो रिमोटली वहां से बैठकर जिस जगह पर भी किस जगह पर है कहां पर रहे कहा किस शहर में रह रहे जगह कौन सी है कनाडा हाँ क्यूबैक जो है जी. वो फ्रेंच जगह है ठीक है ना और वहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं ऑनटेरियो के बाद सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो क्यूबैक की है ठीक है सो मेरा मशवरा होगा उसके लिए कि वो डिप्लोमा इन ऑप्स पढ़े अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन करे तीन चार पाँच महीने लगेंगे अगर वो बिल्कुल फारे गए बैठ के पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़ता रहे अगर उसको बीच में उस दौरान जॉब ऑब करनी है तो मैं उसका मशवरा दूंगा कि वो उबर कर ले ठीक है ना बिकॉज ऊबर में उसको ये है कि वो आराम से बैठ के उबर करता रहेगा और लेक्चर सुनता रहेगा बजाय इसके रेडियो सुने गाने सुने लेक्चर सुन ले और जब घर जाए बैठ के फिर प्रैक्टिस करे उसको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर उसने ये काम किया दैन ही कैन भी सक्सेसफुल इफ़ ही डजेंट देन ही हैज टू प्रपेयर हिमसेल्प टू गो बैक बिकॉज this is a very forgivable country ठीक है ना Canada USA लोग आते हैं बात नहीं सुनते हैं जब when it's too late तो फिर बोलते हैं do tell me I'm going to do everything right now और वो सुनते नहीं है ना बात एंड ये चीज़ टाइम एंड अगेन होती रहती है uh, लोग मुझे मिलते हैं मुझसे बैठ के बात करते हैं सब कुछ बट देसन जो लिसन करता है वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बैठ जाता है जो नहीं सुनता वो बाहर आके बैठ जाता है द प्रॉब्लम इन कैनाडा इज़ के दे गिव दी आर वेरी इजीली पी आर मिल जाती है बट वेन दे वैन पीपल कम ये दे रियलाइज के हमारी जॉब यहाँ पर हमारी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वहाँ चल जाएगी यहाँ की इकानमी बहुत ज़्यादा यू एस को मिमिक करती है इनफैक्ट यू एस की एक स्टेट है ये ठीक है ना तो यहाँ पर बहुत नेक्स्ट uh, जनरेशन चीज़ों पर काम होता है यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं पढ़ाती कॉलेज वो नहीं पढ़ाते जैसे एक आराम को से एक पूरी सऊदी से फैमिली आई उसके वाले साहब आराम को मैं काम करते थे वो यूएसए मूव हो गए यूएसए से कनाडा मूव हो गए दो बेटे हैं उनके दोनों को मैंने समझाया उनको क्या पढ़ना है क्या करना है उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया पढ़ा भी सही तरह नहीं सब कुछ क... कभी कुछ किया कभी नहीं किया और आज वो वो जो है ना किसी कॉलेज में पढ़ रहा है नेटवर्किंग की डिग्री करने के लिए मैंने कहा ये बेकार है ये तुम क्या कर रहे हो दिस इज़ नथिंग सो देसन सो अगर उसको मेरी बात समझ आती है जाए डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन करे इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अलराक विल प्लेस हिम इन कैनेडा ऑन द जॉब बिकॉज यू ऑलरेडी हेज़ अ वर्क परमिट द ओनली कैवी आर्ट इज गोइंग टू बी ये वर्क परमिट ट्रांसफेबल होना चाहिए क्योंकि वो ओपन वर्क परमिट है या क्लोज है क्या उसकी वाइफ स्टूडेंट वीजे पे आई है अगर वाइफ स्टूडेंट वीजे पे आती है कैनेडा में तो शोहर को वर्क परमिट फुल मिल जाता है ओपन मिल जाता है अगर वो वर्क परमिट पर ख़ुद आया तो वो किसी एम्प्लॉयर के साथ कनेक्टेड होगा सो वेन वी हैव टू प्लेस हम थ्रू दी अलरजाक प्रोग्राम ऑन अ जॉब तो एम्प्लॉयर वहाँ पूछ सकता है दैट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम नॉट अलॉट बट इट्स टू बी ए डिस्कशन पॉइंट के uh, ये जो है ना ऑलरेडी इसके पास वर्क परमिट है और ये वहाँ क्यों नहीं जॉब कर रहा था यह फलाना फलाना तो ही हैज टू डिफेंड इम सेल्फ वट एवर द केसेज बट दैट कैन बी डेल्ट विद द की थिंग इज ही इज हेयर इज ना और हेयर जो तंजीम साहब हैं वो आई नहीं है उनको आने से पहले तैयारी करनी है ठीक है ना ये जो है ये यहाँ पहुँच गया है तैयारी नहीं की है अब इसको तैयारी करनी पड़ेगी तो यहाँ आने से पहले मैं सबको ये कहता हूँ यहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां जब तुम आओ तो तुम अपने साथ प्लानिंग करके आओ कि तुम्हें क्या करना है ठीक है ना अपने मुल्क में या कहीं और बैठे के कहां पर जहां पर तुम जॉब कर रहे हो काम कर रहे हो वहां पढ़ना आसान है क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा एक रूटीन स्टैब्लिश है ठीक है दिस इज द बिगेस्ट थिंग सो अगर तुमने सुन ली बात मशवरा सुनना है तो जाओ बैठ के डिप्लोमा ए आई ऑप्स पढ़ो उसको समझो उसके ऊपर अमल करो उसकी तमाम चीज़ों पर करो यू विल बी एबल टू सिक्योर अ जॉब हेयर इफ नॉट हेयर इवन इन यू एस एज वेल एंड यू कैन वर्क रिमोटली तुम आराम से बैठ के काम कर सकोगे सब कुछ कर सकोगे You have a lot of opportunities, but you have all the pathway goes through education. So, my Mahanath, can you